ये ट्राइपॉड छोड़ दिया है कैमरा बंद नहीं करना होगा बैंड के साथ अपने उसमें लगा के अलग अपने लोगों में लगा के और बस ठीक मैंने लगा दिया उनको आवाज सही नहीं लग रहा है देखो वो जनरल है तो उसका फ़ौरन पता लग जाएगा पुलिस स्टेशन में इतला आ जाएगी कि ये वांटेड बंदा है तो उसमें कुछ शुरू हो गया काम कुछ कामयाबियाँ भी हुई हैं तो इसके अलावा खिदमत मरकज़ का आप लोग पहले भी सीएम साहब उसका बकायदा मोबाइल खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर चुके हैं और आज हमने हर पुलिस स्टेशन में जो चार क्वेटा के डिवीजन्स हैं सब डिवीजन उनमें हमने एक एक पुलिस स्टेशन डेजिग्नेट कर दिया है कि जिसमें कि बसों के अलावा भी खिदमत मरकज़ जो बना दिए गए हैं जिसमें वो बेसिक जो उनकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं जिनका बाकी थाने से कोई ताल्लुक नहीं है तो जो भी आएगा उधर जाएगा डायरेक्ट अपनी वो जो भी उसने सर्टिफिकेट बनवाना है लाइसेंस बनवाना है तो ये सारा प्रोसीजर उधर ही उसका कंप्लीट हो जाएगा उसको ना मुहर्रर के पास आने की ज़रूरत है ना थाने के SHO के पास आने की ज़रूरत है वो एक सेपरेटली डील हो जाएगा तो उसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड आइडेंटिफायर है जो कि हमने ख़रीदे हैं जिनमें सारा डाटा महफूज है और उसमें अगर आप किसी को भी शक की बुनियाद पर मोबाइल पेट्रोलिंग के दौरान नाके के ऊपर थाने के अंदर उसका अब अगर आप थंब लेंगे तो उसमें फ़ौरन उसका जो डाटा है वो लिंक्ड अप है विद 1.6 मिलियन का जो डाटा हमारे पास पूरे पाकिस्तान का क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड मौजूद है वो उसके साथ लिंक्ड अप है तो वो भी फौरी तौर पे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा वांटेड है क्रिमिनल है टेररिस्ट है सारा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसके अलावा ई कंप्लेंट सिस्टम है जिसमें कि टाइम डेजिग्नेट कर दिया गया और अफसर डेजिग्नेट कर दिए गए हैं कि इतनी देर के अंदर अंदर उसकी कंप्लेंट को आपने इस फेज़ में चलाना है उसका रिज़ल्ट देना है नहीं है तो वो नेक्स्ट में चली जाएगी तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है PKM ग्लोबल का भी है जी IT ने बताया है कि जो बाहर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं मेहनतकश अगर उनको कोई ऐसा मसला है जॉब के लिए या करेक्टर सर्टिफिकेट उनको चाहिए कभी कभार उनको लाइसेंस के लिए क्लियरेंस चाहिए होती है तो वो सारा अब ऑनलाइन हो जाएगा उनको थ्रू एम्बेसी लेटर के ज़रिए वो सारी जो कबाहत थी वो ख़त्म हो जाएगी और वो फौरी तौर पर विद इन आवर्स उनका सिस्टम जो है वो उनको वो पहुँचा देगा उनकी रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए तो ये चीज़ें चल रही थी काफ़ी दिनों से हमने थैंक यू सॉरी इन पे टेस्ट रन चल रहे थे ये पूरा साल हम इसी लगे रहे हैं जो हमारा डाटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर बन रहा है वो भी तकरीबन तकमील के मराहिल में है जहाँ से ये सारे सिस्टम्स मॉनिटर होंगे रन होंगे दैट वुड बी द नर्व सेंटर पूरे बलूचिस्तान के तो ये हमारी काविश थी हमारा जो इस पे खर्चा है वो ज़्यादा नहीं है हमारे बजट के अंदर है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से हमने कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं ली एक पैसा भी इसके लिए एक्स्ट्रा हमने नहीं लिया जो हमारा एनुअल बजट आता है उसी में से हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाला सिर्फ ये है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इसमें बड़े कीनली हमें हमारे साथ रहे हैं सपोर्ट करते रहे हैं उनकी ख्वाहिश थी कि सिस्टम्स डिजिटलाइज हों और वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं और ये मरहला जो है हमने खुश असलूबी से तय कर ली है और आइंदा के लिए ये बेस है एक उसके बाद तो आपको पता है डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में तो देयर इज द स्काई इज़ द लिमिट IT में स्काई इज़ द लिमिट आप एक सिस्टम लगाते हैं उसके बाद उसमें से 25 और नए सिस्टम्स नई एप्लीकेशंस निकलती जाती हैं तो ये बेस एक बन गया है और उसमें आइंदा उम्मीद है कि आने वाले अफसरान उसको आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे और इसको मजीद जो है वो फैलाते रहेंगे ताकि कोई भी हमारा इलाका जो है वो इससे महरूम ना रह जाए और बेसिक उसका आइडिया वो ये है कि लोगों को सहूलत दी जाए जिस तरीके से भी जो हमारे खिलाफ शिकायत हैं पुलिस खिलाफ उनका तदारुक किया जाए लोगों को जो घंटों इंतज़ार करना पड़ता है थाने में आके बैठना पड़ता है उनको प्रॉपरली डील नहीं किया जाता उनको बाद में फॉलो अप कोई नहीं है तो ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है कि उनको सर्विस डिलीवरी जो है वो एक अच्छे तरीके से एक महज़ब तरीके से दी जाए और उनको उसके साथ साथ उनको अपडेट रखा जाए कि
कि आपकी एप्लीकेशन आ गई है, आप उसको कन्वर्ट कर दिए एफआईआर में, एफआईआर में आप मजीद क्या है अरेस्ट बंदा हो गया, तो कंप्लेनेंट को इंटीमेशन चली जाए कि मुलजिम आपका पकड़ा गया है, थाने में आ गया है, तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। तो इसमें ना कोई पुलिस ने कोई वैसे कोई अपने लिए कोई ऐसा काम किया या कोई इसमें हमें कोई मिलने या कोई इनाम मिलना या कोई ऐसी बात, सिर्फ पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मॉडर्न पुलिस के सिस्टम, मॉडर्न पुलिस के जो दुनिया भर में सिस्टम चल रहे हैं या पाकिस्तान के दीगर सूबों में चल रहे हैं उनके बराबर आ जाएँ, पीछे ना रहें। तो आमतौर पर ये होता है कि बलूचिस्तान बैकवर्ड है, इनके पास कोई ऐसी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अब हम कह सकते हैं कि हम किसी भी सूबे की पुलिस से पीछे नहीं है, इस जहाँ तक कि ये डिजिटलाइजेशन का कंप्यूटराइजेशन का ताल्लुक है। ये है जी आज जो हमने कहा कि पूरे बलोचिस्तान के लिए, चाहे वो अवारान हो और चाहे वो गवादर हो, चाहे वो लोरा लाई हो, सारे बंदे हमारी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन हो गई है। ये आप बता दें जी, 10,000 हमारे पूरे बलोचिस्तान में टेस्ट रन के दौरान कर चुके हैं। ये क्या किया? 10,000 एफआईआर हमने जो हैं डिजिटलाइज वो की हैं टेस्ट रन के दौरान में। आज तो हमने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया, और ये सिर्फ एफआईआर एक सफ़ा नहीं है, कागज़ नहीं है कि जी एफआईआर टाइप करके आपने दे दिए कंप्यूटराइज, वो तो हम 10 साल पहले भी कर सकते थे। इसके साथ पूरा जो थाने का रिकॉर्ड लिंकअप है, जो आपको पता है थाने में 25 रजिस्टर्स होते हैं जो आजकल चल रहे हैं, उन सब के साथ इसका लिंकअप हो गया है, ज़िमनियात के साथ हो गया है, रोजनामचे के साथ हो गया है। सो हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज होगी अब। तो इसमें ये पूरा इसका फीडबैक जो है वो पूरा सिस्टम इसके साथ अब अटैच्ड है। पूरे कोयटा में आप किसी थाने में चले जाएं, आपको डिजिटलाइज एफआईआर मिलेगी। अब पूरे बलोचिस्तान के लिए आज से हो गया ना जी, आप बलोचिस्तान के आप किसी भी थाने में चले जाएं, वो आपको वहाँ पे ये कंप्यूटर सिस्टम सारा मिलेगा, बंदा ट्रेन मिलेगा, और वो आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी और उस सिस्टम के अंदर चली जाएगी। और ये जो हमारा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर बन रहा है वो उसका मेन नर्व सेंटर है, जहाँ पर सारा डाटा जो है डेली बेसिस पर आता है और वहाँ पर स्टोर होता है, और आगे फिर उसके बेसिस पर हम आगे प्रिडिक्टेबिलिटी कर सकते हैं, क्राइम कैसे चल रहा है, क्रिमिनल्स की आजकल मॉडर्न अप्रेंडाई क्या है, कौन से तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा क्राइम किस चीज़ का हो रहा है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कि क्राइम बढ़ रहा है और कहाँ पे कम हो रहा है, इस तरह की बहुत सी फिर आगे एप्लीकेशंस हैं, फिर वो तो चलती रहेंगी। अभी जो फर्स्ट डिजिट ने की है, लेकिन आई साहब की डायरेक्शन के मुताबिक जो टेस्ट रन चलाया है उसमें कोयटा रेंज पूरे का पूरा एफआई डिजिटलाइज कर दी है, सिपी रेंज, नसीराबाद रेंज, खुजदार रेंज, ग्वादर, योब, रखशान, टोटल मोर देन 10,000 एफआईआर अलॉन्ग विद कंप्लीट रजिस्टर्स जो है वो डिजिटलाइज पूरे बलूचिस्तान में हो चुके हैं जी। सर प्लीज, सर ह्यूमन डाटाबेस बना रहे थे सर, काफी अर्सा पहले, जी हाँ, वो कंप्लीशन के बिल्कुल मेरे समय आखिरी मरहल में जी सर। जो हमारा विमेन पुलिस स्टेशन है उसको भी हम स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना रहे हैं, और दिस वुड बी द फर्स्ट स्मार्ट विमेन पुलिस स्टेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि हमने स्मार्ट पुलिस स्टेशन हमारे मौजूद हैं, बट हम लोग उन्हें सिविल लाइन के साथ जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन एसपीएस का दिया है, एसपीएस का भी काम जो है स्मार्ट पुलिस स्टेशन का तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है, और उसमें जो विमेन पुलिस स्टेशन है उसकी बिल्डिंग कंप्लीट है, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको पिछले हम 3 माह से ट्रेंड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पर ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी बिहेवियर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसका तमाम चीज़ें बाकी कंप्लीट हैं। उसको हम स्मार्ट पुलिस स्टेशन सिविल लाइन के साथ ही स्मार्ट पुलिस स्टेशन जो विमेन पुलिस स्टेशन है उसका कट्ठे उसको इनॉग्रेट करेंगे, आई होप के विद इन गुड 3-4 वीक्स। जो एक मदर सॉफ्टवेयर है दैट इज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे पास एक सबसे ज़रूरी था कि हमारे पास क्रिमिनल का डाटाबेस चाहिए। अगर हमारे पास बलूचिस्तान के 20,000 क्रिमिनल का डाटाबेस है तो व्हाट अबाउट पंजाब, व्हाट अबाउट सिंध, व्हाट अबाउट अदर प्रोविंसेस? तो पहले तो हमने उसको इंटेग्रेट करके एक डाटाबेस लिया, एमओयू साइन किए पंजाब के साथ, सिंध के साथ, उसके बाद हम लोगों ने उस पर डिपेंड करते हुए, बेस करते हुए एक ट्रैवल आई का सॉफ्टवेयर बनाया। उस ट्रैवल आई के सॉफ्टवेयर को हमने बस अड्डों पर हमने इंस्टॉल किया है, कोयटा से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका टेस्ट रन, आज उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। होगा ये कि अगर मैं बस अड्डे पे जाता हूँ और मैंने टिकट लेनी है सिपी जाने के लिए, तो मैं अपना आईडी कार्ड नंबर बोलूँगा, वो आईडी कार्ड नंबर सिंपल वो अपने उस कंप्यूटर में ऐड कर लेंगे, उनके पास सामने सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा, सिर्फ कंप्यूटर में ऐड कर लेंगे। जो ही वो कंप्यूटर में ऐड करेंगे तो जो करीब तरीन पुलिस स्टेशन होगा उस पुलिस स्टेशन में वो जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली विद इन नैनो सेकेंड्स जाएगा, वो 1.6 मिलियन का जो हमारे पास डाटा बैंक है उनमें से शिफ्टिंग होगी, और फौरी तौर पे वो इंटीमेट लोकल थाने को करेगा कि फलां बस अड्डे पे इस आईडी कार्ड वाला नंबर यहाँ जाने के लिए इसने टिकट ली है, और ये थाना लोरालाई,
या किसी दूर दराज बलूचिस्तान या पंजाब या सिंध के उस थाने का इश्तियारी है, इसको पकड़ लें। वो हमारे फौरी तौर पे जो करीबी थाना होगा, क्योंकि वो उसकी स्क्रीन लगी हुई है, जैसे ये स्क्रीन है ना, लेट से हम यहाँ बैठे हैं और मैं इश्तियारी हूँ, मैं यहाँ सदाबहार से चढ़ने लगा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इस थाने में एक पॉपअप स्क्रीन हो जाएगी, उस पॉपअप पे मेरी तस्वीर आ जाएगी, मेरा आईडी कार्ड आ जाएगा, मेरी जगह आ जाएगी, और यहाँ से पुलिस वहाँ पे जाके उसको करेगी। और अगर वो बंदा बस चल पड़ी है, चला गया है, तो विल गेट टू नो, और हम अपने वायरलेस के ज़रिए उसको इंटरसेप्ट करवा लेंगे सामने से। तो सबसे इस सिस्टम की जो खूबसूरती ये है कि ये इंटरकनेक्टेड है, इट्स ए क्लाउड सोल्यूशन, जिस क्लाउड सोल्यूशन में अगर आप कोई भी चीज़, ये आईडी कार्ड बेस्ड और थंब इम्प्रेशन बेस्ड है, किसी जगह थंब इम्प्रेशन आता है या आईडी कार्ड आता है। हमारा 1.6 मिलियन का जो डाटा है, जब हमने ये काम शुरू किया तो 1.4 मिलियन और कुछ था, अब ये 1.6 मिलियन पे आ गए। डेली हम भी अपना डाटा फीड कर रहे हैं, डेली ये डाटा पंजाब सिंध में भी फीड हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें बलूचिस्तान के ज़िलों में हमारे पास CRO नहीं था, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस नहीं था, क्रिमिनल का रिकॉर्ड नहीं था, डेटाबेस नहीं थी। हम लोगों ने आईजी साहब के डायरेक्शन में पिछले 2-2.5 सालों में हर ज़िले में पहले मैनुअल CRO लेके आए हैं, फिर उसको डिजिटल किया है, फिर उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर लगाया है, और फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड आइडेंटिफायर का सॉफ्टवेयर लगाया है, और उसके बाद हमने ये होटल आई और ट्रैवल आई थी, ताकि जो कोई सफ़र करे या होटल में ठहरे तो फौरी तौर पे हमें पता लग जाए करीबी थाने में। और ये और सबसे मजे की बात, आप इसमें भाई होंगे कि इसमें किसी को भी कोई SHO जो कि उस तरह से IT लिटरेट नहीं, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, तो ऑटोमेटिकली उसके स्क्रीन पे चीज़ पॉपअप हो जाएगी कि ये बंदा है जो वहाँ से ट्रैवल कर रहा है और क्रिमिनल है। चार जी अभी तक जो ट्रायल बेस पे चल रहा था हमारा, ट्रायल बेस हमने बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया है, और रिसेंटली स्टार्ट करके 4 इश्तिहारी हमने क्वेटा से पकड़े हैं, क्वेटा के होटलों से, और उनमें से 2 इश्तिहारी जो थे वो थाना सिविल लाइन लाहौर के थे, जिनमें से एक 420/1871 फोर्जरी और वो था, और एक चेक डिसऑनर का था। और एक बंदा यहाँ पर ठहरा है जिसका, जब हमने उसको पकड़ा यहाँ पे थाने में, फौरी पॉपअप हुआ है पुलिस स्टेशन कैंट में, जब हम वहाँ पर गए हैं तो उसने बताया कि मैं तो बरी हुए, मुझे जड़ा वाले के थाने से अरसा हो गया, लेकिन क्योंकि वहाँ पर अपडेट नहीं था किया, तो सिस्टम ने हमें फौरी तौर पर बताया, फिर हमने वहाँ से उसकी बेल ऑर्डर, इक्विटल ऑर्डर सारे मंगवाए, क्लियर किया, देन ही वॉज रिलीज। सो ये बड़े प्रॉपर चेक और डेटरेंस है जिसके जरिए सारा कुछ कर रहे हैं। बताएं जी, वैसे तो मतलब ये प्रिज्यूम करने वाली बात है, हर चीज़ आप कह लें कि 100% तो फूल प्रूफ नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ही आगे बढ़ेगा मामला। अगर वो कहेंगे कि जी ओरिजिनल, जैसे अब आपको PI का टिकट कराना है तो आपको अपना नाम और अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है, उसके बगैर आप किसी के नाम पर ट्रैवल नहीं कर सकते। मे बी लेटर ऑन ये बसों में भी ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बस की कंपनियाँ जो हैं वो राइज करना, जो अच्छी कंपनियाँ उनमें तो यही चलता है कि उसमें आपका ओरिजिनल नाम वगैरह होना चाहिए, बट ग्रेजुअली। और सर मैं थोड़ी सी चीज़ बताता चलूँ इसी क्वेश्चन में, हमें सर शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, होटल वालों की बड़ी रिजर्वेशन थी, बस स्टैंड वालों की रिजर्वेशन थी कि हमारी तस्वीर आ जाएगी, प्राइवेसी का क्या होगा। देन हमने उनके साथ मीटिंग्स की, ये हमने कोई ये फोर्सफुली किसी जगह मीटिंग की, उनको कन्विंस किया कि आपने कोई प्राइवेसी नहीं देनी, आपको तो पता भी नहीं कि जो बंदा आपके पास आ रहा है आपने तो उसका आईडी कार्ड लेना है, लेकिन इस सिस्टम में जो चेक्स हैं मजीद चेक्स लगाएंगे और मजीद इसको स्ट्रेंथन करेंगे। ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर अवेयरनेस जी ब्रदर, बिल्कुल ठीक हो गया सर जो परमिशन से। इसमें हमने किया ये है कि जो होटल में और जो हमने अड्डों पे किया है, हमने वहाँ पर जो उनके ऑपरेशनल स्टाफ है उसको हमने ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग के लिए DI साहब क्वेटा और SSP साहब क्वेटा ने और SSP इन्वेस्टिगेशन ने हमें यहाँ पर पुलिस लाइन में उनके हमने ट्रेनिंग करवाई, फिर हमने CPO में हॉल में उनकी ट्रेनिंग करवाई,
उनको ये चीज़ बताई कि आपको सॉफ्टवेयर के मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, आपकी ट्रेनिंग ये है कि जब आपके पास कोई आएगा आपने इस कंप्यूटर को ऑन करके इस जगह पर उसका आईडी कार्ड फीड करना है, दैट्स ऑल, आपका काम ख़त्म। उसकी जितनी एपीआईज हैं, उसके क्लाउड सॉल्यूशन हैं, उसकी इंटीग्रेशन है, वो सारे का सारा टेक्निकल काम हमारे मुतलका है। तो हमने एक तो ये किया कि हमने ट्रेनिंग के जितना टेस्ट रन चला हमने होटल वालों की ट्रेनिंग कराई। इसी वजह से मैं बताता चलूँ कि अभी तक जो डाटा है पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ चंद माह में टेस्ट रन के दौरान 50,000 का हमारे पास डाटा बेस है, जो लोग होटल्स में जिन्होंने चेक इन किया और होटल के मालकान ने, मैनेजर्स ने, उनके ऑपरेशनल अमले ने उनका रिकॉर्ड एंटर किया और हमारे पास वो रिकॉर्ड आया। और जो बस अड्डों का है, बस अड्डों में हमें इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज आए, लेकिन अब वो इश्यूज तकरीबन 80% हमने वो ग्लिचेस रिमूव किए हैं। उसका ये सबूत है कि अभी तक हमारे पास बस अड्डों में भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमारे पास ट्रैवल आई, क्योंकि वो बड़े रिसेंटली स्टार्ट की है, उसमें भी मोर देन हमारे पास 1,000 को 1,200 के करीब, उससे भी ज़्यादा हमारे पास वो मुख्तलिफ एक अड्डे से, मुख्तलिफ अड्डों से हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो अगर कोई बंदा लेट से अगर आज कोई बंदा मिस हो रहा है तो आप हमारे भाई या दोस्त हैं, दूसरे को बताएंगे कि यार अगर टिकट लेते हो तो अपना आईडी कार्ड दो, ये हमारे फायदे के लिए है, कोई दहशतगर्द, कोई जराइम पेशा को बंदा कोई वहाँ पर ना आ जाए। सेकेंडली जो अवेयरनेस कंपेन है उसके लिए हम कर ये रहे हैं कि एक तो हमने अपना AV यूनिट बना दिया है, हमने ऑडियो विजुअल यूनिट एक बनाया है अपना पुलिस का, जो कि ऑडियो विजुअल यूनिट इस लेवल पे जो सोशल मीडिया टूल्स को हैंडल करता है, हमारी फेसबुक को, ट्विटर को, हमारे वेबसाइट को हैंडल करेगा, और साथ ही साथ जो अवेयरनेस कंपेन के लिए शॉर्ट क्लिप्स बनते हैं, जो टीज़र्स बनते हैं, टीवी सीज बनती हैं, उनको बना के मुख्तलिफ केबल्स में चलाते हैं। जैसे कि हमने सॉफ्ट कर्टन रेजिंग जब D3C की तो हमने वो टीज़र चलाए, अभी ये ब्रोशर्स, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम है। नेक्स्ट हमारा जो है जिसमें आ रहे हैं वो केबल के बाद हमारा अवेयरनेस है। अब हमारे 1 फरवरी से स्कूल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, बाकी चीज़ें भी खुल रही हैं, मजीद कम्युनिटी के तमाम लोग खुल रहे हैं, उनके साथ हम तमाम मीटिंग करके इसको मजीद करेंगे। एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसमें IG साहब की डायरेक्शन ये थी कि इसको सिर्फ एक जगह पे महदूद ना करें, तो हम लोगों ने जो डिवीजनल SPs हैं, जो SDPOs हैं, SHOs हैं, मुहर्रान हैं, उनकी भी अलग ट्रेनिंग कराई है सिस्टम के मतलब, ताकि अगर उनके पास कोई आता है, कोई उनसे डिस्कस करता है तो वो भी इसमें अवेयर हो। तो अवेयरनेस जो है इंशाल्लाह ताला जी ये जारी और सारी है और इसको मजीद इंपटस देंगे, क्योंकि असल ये चीज़ थी। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, व्हेन वी स्टार्टेड देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल जेन्युइन IT और सॉफ्टवेयर लिटरेट हमारे पास कोई बंदा था, ह्यूमन रिसोर्स ज़ीरो था, हमारे पास सॉफ्टवेयर ज़ीरो थे, IT इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो था, हमारे पास इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ज़ीरो थे। वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच और स्क्रैच से स्टार्ट करके हम लोग पंजाब के PITB, दीज वर दी वर्ड्स ऑफ चेयरमैन PITB के, पंजाब के साथ अगर कोई कम्पीट कर रहा है तो वो कोई और सूबा नहीं, वो बलूचिस्तान कर रहा है। और आपको मैं बताता चलूँ कि D3C डेटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर में हमारा 1200 TB का जो डेटा सेंटर बन रहा है, किसी भी पुलिस का इस तरीके से अपना डेटा सेंटर होना और उसमें तमाम सॉफ्टवेयर अपने पास होना और इस तरह का डेटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर होना जो मल्टीपर्पज़ है, दिस इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ बलूचिस्तान। सो अब हमारा जो RFP था, हमारे बनाए हुए जो पेपर हैं, वो हमसे पंजाब ने भी लिए हैं, सिंध ने भी लिए हैं, KPK भी ने लिए हैं। ये IG साहब की डायरेक्शन है कि जिसमें पहले हम उनसे चीज़ें ले रहे थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम उस पोजीशन में हैं कि हम उनके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उनके इश्तियारी पकड़ के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के जरिए उनके हवाले कर रहे हैं। वो केस आपको पता है CTD के पास रजिस्टर्ड है, तो CTD वाले उसमें कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मैं नहीं कह सकता कि इस वक्त है, बट होगा तो इंशाल्लाह वो शेयर हो जाएगा, बट दे आर ऑन इट, दे आर वर्किंग ऑन इट, तो इंशाल्लाह उसमें भी कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। हाँ जी बाजी, मेरे ख्याल में थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज़हमत की, तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं सिर्फ एक तो शुक्र अदा करूँगा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का, उसके चेयरमैन का, उनकी टीम का, जिन्होंने हमें हर मौके पर हमारा साथ दिया है। यहाँ पर उनकी टीम्स आती रही हैं, हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको वो सॉर्ट आउट करती रही हैं। उसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे DIG क्वेटा हैं, SSP ऑपरेशंस हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन हैं, इन्होंने बड़ा इसमें दिलजमी से काम किया है और इंशाल्लाह इसको अब हमने उनको एक बेस बना दिया है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने, AIG IT ने, अली साहब ने, अब इसको आगे चलाना और ये सारी जिम्मेदारी इसको मजीद फैलाना अब इनकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसको ये मजीद ऊपर लेके जाएंगे। और AIG IT हमारी IT ब्रांच है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे जो
एडिशनल आईजी साहब हैं ब्रोकर साहब जिसको हेड करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स को, उनका शुक्रगुजार हूँ और इनकी टीम का कि लड़कों ने बड़ी मेहनत की है, दूर दराज के इलाकों में जाकर ट्रेनिंग्स दी हैं, दिन रात यहाँ पे काम किया, लेट नाइट दो दो तीन तीन बजे तक बैठ के काम किया, तो उन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इसको एक हकीकत का रूप दे दिया है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको, इस सूबे की पुलिस को, इस सूबे में अमन अमान कायम रखे और सूबे की पुलिस को मज़ीद तरक्की के जो है मौके दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ वही ए जी हाँ हाँ तो वो कर लिए ना तारीफ की, इन्होंने रात तीन तीन बजे तक तो बैठे रहे हैं, सारी सारी रात बैठ के तो ये काम करते रहे हैं, कोई और महकमा ऐसे काम नहीं करता, तो उसकी वजह से तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ये सारा मुमकिन हुआ है। ये कोई आसान काम तो था नहीं, जैसे कि अली साहब ने कहा कि ज़ीरो है ह्यूमन रिसोर्स थी, ज़ीरो टेक्नोलॉजी थी, ज़ीरो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस थी, तो आप देख लें आज इस जी जी माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही है। फिर हमारा वेब पेज बन गया, हमारा फेसबुक का भी हो गया, ट्विटर भी, फेसबुक, ट्विटर फेसबुक तो अब आप हम देख सकते हैं हम कर क्या रहे हैं, वो हर एक को एक्सेस हासिल है उस पर, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये पहला स्टेप है, इंशाल्लाह आगे फिर चलता रहेगा, मज़ीद डेवलपमेंट होती रहेगी। हाँ ड्रोन चल रहा है ऊपर जी सर, हाँ ये हमारा अपने पुलिस का ड्रोन चल रहा है, ये सारा ऑन ड्रोन भी जो सेफ सिटी पे भी काम चल रहा है जी हाँ। बस उसमें कुछ उसमें कोई इश्यूज थे लेकिन अब वो भी सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें भी काम जो है वो बर्क रफ्तारी से चलना शुरू हो जाएगा।